जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतिम दिन दमोह कलेक्टर, पूर्व मंत्री और दमोह विधायक जयंत मलैया सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी बेलाताल तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने तालाब की साफ सफाई कर नगरवासियों से जल संरक्षण की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में 5 जून से 16 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में प्राचीन जल स्रोतों को संवारने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी जिले भर में स्थानीय लोगों के श्रमदान के माध्यम से जल स्रोतों की सफाई करा रहे हैं। रविवार सुबह शहर के बेलाताल तालाब में श्रमदान किया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत मलैया के अलावा सैकड़ों लोग श्रमदान करने के लिए पहुंचे। इस तालाब को कई सालों से साफ करने के लिए दमोह की जनता के द्वारा प्रशासन से मांग की जा रही थी। इस बार इस अभियान के तहत तालाब की सफाई का काम शुरू हो गया है। पूर्व वित्त मंत्री मलैया ने कहा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें पुराने जल स्रोतों को संभाल कर रखना चाहिए। वहीं कलेक्टर ने किसी भी प्रकार की सामग्री तालाब में फेंककर गंदा नहीं करने का आग्रह किया। आज बड़ी संख्या में श्रमदान कर बहुत अच्छा है। प्रदेश के हर जगह पर उस तरीके से इसका आयोजन किया गया है कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनका उन्नयन किया जाए। इसी तारतम्य में बेलाताल की लोग सफाई कर रहे हैं और लगातार चल रहा है ये कार्य। लोगों का बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है। एक बार ये हो जाएगा, एक दो दिन और बारिश नहीं गिरती है तो मुझे लगता है कि पूरा साफ हो जाएगा और ये निश्चित तौर से सभी लोगों की एक बड़ी उपलब्धि है। आप एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, सबको जो जो जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ भी जो वाटर बॉडीज हैं उनको संरक्षित रखने का काम करें। आज के समय में पहले कितनी क्राइसिस नहीं थी जितनी आज है और दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। इस समय बहुत आवश्यक है कि जहाँ जहाँ हमारी वाटर बॉडीज हैं ये ब्यूटिफिकेशन का भी काम करती हैं। सारी दृष्टि से बड़ा अच्छा है। आज से करीब 30-32 साल पहले मैंने यहाँ के तीन ताल अपना ये बेलाताल और कोडेरा और ये पुरैना तीनों तालों का ये किराया था। उसी समय ये गहरीकरण भी हुआ था, इसकी सारी के सारे घाट बने थे और उसकी पिचिंग हुई थी। उसके बाद लगातार क्योंकि ये नगर पालिका का है उनको काम करना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। आशा करता हूँ कि आगे सब लोग मिलकर काम करें। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, आपकी आस्था जो है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस तरह से गंदगी डालें और एक पक्ष गंदगी डालता रहे और एक पक्ष गंदगी साफ़ करता रहे। ये संस्कृति बिल्कुल हमारी आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है। जितने जो है देवी देवता पूज्य हैं उतने ही नदी और तालाब भी हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये कचरा यहाँ पर बिल्कुल ना डालें। हम आगे चल के कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आपको निर्माल्य डालने की भी व्यवस्था हो और यहाँ पर यदि कोई खुले में कचरा डालता है तो उनके ऊपर हम जुर्माना करेंगे और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही हम पॉलीथीन बैन करने की तरफ और थैले और झोले के उपयोग के प्रोत्साहन की तरफ भी अब कदम बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से एक टोटलिटी में काम करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। और ये क्या है, ये कल्चर का प्रश्न है, ये आदतों का प्रश्न है, ये एक रात में ठीक नहीं हो सकता। तो धीरे 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 हम ये इंकल्केट करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जो जुलाई महीने और उसके बाद जो त्यौहार आने वाले हैं उन त्यौहारों में इस तरह की चीज़ बिल्कुल ना हो। बेला